आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ग्राफ इन मेमोरी। क्या होते हैं? टू टाइप से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं ग्राफ को मेमोरी में। फर्स्ट इज द सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इट मीन द एडजस्टेड मैट्रिक्स, लाइक हम सिक्वेंशियल एरे से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। दूसरा हमारा क्या मेथड है? लिंक लिस्ट। में फर्स्ट इज द विद द हेल्प ऑफ एरे, सेकंड इज द विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। एरे के थ्रू जब भी रिप्रेजेंट करवाते हैं ग्राफ को, तो हमारे पास क्या है? एम वर्टेक्स दी हुई है, तो हम सबसे पहले हमारी वर्टेक्स को ले लेते हैं। वर्टेक्स के अकॉर्डिंग हम मैट्रिक्स को प्रिपेयर करते हैं, लाइक ए बी सी डी। हमारे पास फोर वर्टेक्स थी, ए बी सी एंड डी, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि उसके नेबर कौन कौन से, उसके एडजस्टेंट कौन कौन से। लाइक ए बी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ए सी के साथ कनेक्ट हो रहा है, और ए अपने आप से तो कनेक्ट नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? जीरो। और ए बी से कनेक्ट है, यहाँ वैल्यू वन आ जाएगी। ए सी से कनेक्ट है, यहाँ वैल्यू वन आ जाएगी। ए डी से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? बी नोड का चेक करेंगे। बी नोड क्या है हमारी? ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, तो यहाँ पर वैल्यू वन आ। नेक्स्ट हम सी को देखते हैं, सी हमारा ए से कनेक्ट है और बी से भी। आप से कनेक्ट नहीं है, तो वहीं पे जीरो वैल्यू आएगी। अदरवाइज सारी जगह हमारी वैल्यू कैसी आ जाएंगी? वन वन पोजीशन पे आएंगी। और डी हमारा क्या है? डी ओनली सी नोड से कनेक्ट है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर वन आया। बाकी सारी पोजीशन पे हमारे पास क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ऑब्जर्व द डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑफ वर्टेक्स इन द डिफरेंट एग्जिस्टेंस मैट्रिक्स। देयर आर द टू सच एग्जिस्टेंस मैट्रिक्स आर क्लोजली रिलेटेड इन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अदर। इट इज अ सिंपली इंटरचेंजिंग रो एंड दिए हुए हैं, हम उसको एज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड इन द रो की भी वही वैल्यू देंगे, कॉलम की भी वही वैल्यू देंगे, और साथ में हम क्या करवा देंगे? जो भी इनकी वहां पर हम वैल्यू को पुट करवा देंगे वन, अदरवाइज हमारी वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। अब इस टाइप में क्या है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? किस टाइप की प्रॉब्लम? लाइक अगर हमारे पास वर्टेक्स कम है, तब तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइक 4x4 मैट्रिक्स। या अगर हमारे पास 10 एजेस होती, 20 एजेस होती, और हमें 20x20 को रिप्रेजेंट करना होता, तो ये क्या हो जाता? एक डिफिकल्ट हो जाता ना, लार्ज नंबर ऑफ वर्टेक्स के साथ। स्मॉल नंबर्स में तो ये काम को परफॉर्म करवा पाता है। लाइक एक ग्राफ में 100 वर्टेक्स भी हो सकते हैं, 100 एजेस भी हो सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम होती है। किस होता है? क्योंकि कई जगह हमें वैल्यू क्या है अपने उससे कनेक्ट नहीं हो रही। एक वर्टेक्स ऐसी होगी तो सारी जगह हम जीरो जीरो मेमोरी में पुट करेंगे, तो मेमोरी मेमोरी की क्या है? वेस्टेज हो जाएगी। किस टाइप की? लोकेशन वेस्टेज हो रही है, और साथ में डिफिकल्ट हो जाता है इंसर्ट करना, डिलीट करना, और साइज के अकॉर्डिंग में काम को परफॉर्म नहीं करवा पाता। इसीलिए हमने क्या यूज किया? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? कुड बी यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ हैविंग ए स्मॉल नंबर ऑफ एजेस और ए लार्ज नंबर ऑफ वर्टेक्स। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द एडजस्टिंग मैट्रिक्स एंड एडजस्टिंग लिस्ट। हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके क्या है? ए सी और डी, और साथ में हम इससे कनेक्ट है, तो हम इनके नेबर्स को एग्जिस्टिंग को देखेंगे। ए बी से कनेक्ट है एंड सी से कनेक्ट है, हमने यहाँ पर लिस्ट में लिख दिया। लाइक बी हमारा क्या है? ए से कनेक्ट है और सी से कनेक्ट है, हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह सी हमारा ए से भी कनेक्ट है, बी से भी और डी से भी, हमने यहाँ वैल्यू लिख दी। और डी ओनली हम करवा दिया। अब हम क्या करेंगे? ए किससे कनेक्ट था? बी और सी से। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग
किससे कनेक्ट था? ए और सी से। सी हमारा नल हो जाएगा। सी हमारा किससे कनेक्ट है? ए से, डी से एंड बी से। और ये हमारा क्या हो जाएगा? नल रिप्रेजेंट हो जाएगा। डी हमारा क्या है? ओनली सी से रिप्रेजेंट है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। किसके थ्रू? लिंक्ड लिस्ट के थ्रू। अब हमने क्या करा है? टू टाइप से रिप्रेजेंटेशन करी है। किस टाइप की रिप्रेजेंटेशन करी है? फर्स्ट एरे के थ्रू, सेकंड हमने किसके थ्रू करी है? लिंक लिस्ट के थ्रू। जो एरे में हमारे पास प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को हमने किसके थ्रू सॉल्व किया?